वीजा प्रोसेस की तरफ कनाडा द्वारा लिया गया एक अनोखा कदम भारतीय छात्रों के लिए अच्छी खबर। भारतीय छात्रों के लिए कनाडा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और बेहतरीन कदमों में एक और कदम कनाडा द्वारा लिया जा रहा है। 30 नवंबर 2022 को कनाडाई इमिग्रेशन मिनिस्टर सॉन फ्रेजर ने बताया कि देश का नव घोषित इंडो पैसिफिक रीजन भारत और अन्य देशों से अधिक छात्रों और इमिग्रेट को कनाडा लाने में मदद करेगा। सर सॉन फ्रेजर ने अपने अनाउंसमेंट में बताया कि भारत में नई दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य देशों के वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी की स्पीड को बढ़ाने हेतु कनाडा आने वाले 5 सालों में $74.6 मिलियन का निवेश करेगा। यह भारत से आए न्यू कॉमर्स और छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है, जिससे भारतीयों को काफ़ी लाभ होगा। कनाडा में भारतीयों की गिनती फिलहाल में लगभग 2,25,000 देखने को मिली है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का यूरो 5 अरब एनआरआई 42,500 करोड़ का योगदान। एक सर्वे से पता चला है कि फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय छात्र देश की अर्थव्यवस्था में सालाना करीब 5 अरब यूरो का योगदान करते हैं। इस सर्वे में पिछले 3 वर्षों में फ्रांस में रह रहे 9,992 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने हिस्सा लिया है। एक सर्वे में छात्रों के लिए फाइनेंसिंग में मुख्य कोर्स परिवार का समर्थन, व्यक्तिगत बचत कैश डी एलोकेशन, फैमिलियंस परिवार के लिए फ्रांसीसी राज्य सहायता है। लगभग 18% रिस्पोंडेंट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पढ़ाई को उनके मूल देशों या फ्रांसीसी सरकार स्कॉलरशिप द्वारा फंडेड किया गया था। एक सर्वे के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रति माह औसतन यूरो 867 एनआरआई 74,000 खर्च करते हैं और ट्यूशन फीस में औसतन यूरो 2,822 एनआरआई 2,40,000 का पेमेंट करते हैं। कैंपस फ्रेंड्स ने कहा, आय से सभी लागत घटकर यूरो 1.35 अरब एनआरआई 11,500 करोड़ का योगदान नोट किया गया है। यह फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का डायरेक्ट इकोनॉमिक्स इंपैक्ट है। 2021 से 2022 में फ्रांसीसी संस्थानों में एनरोल्ड विदेशी छात्रों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, जो 15 वर्ष में सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। कैंपस फ्रेंस ने कहा कि वर्तमान में 4,00,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र फ्रांस में अध्ययन कर रहे हैं। ये करंट अपडेट 30 नवंबर की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।